Good morning students in last video we have done your sum number second of exercise 14.2 and three to seven I gave you homework but now we are repeating your sum number fourth for your understanding. I hope you have done like as I will tell you so look at this figure this one figure is given there. ओके अकॉर्डिंग टू दिस वन एल एम पैरलर लाइन्स एन इज़ द ट्रांसवर्सल सो दे आर सींग आइडेंटिफाई द एंगल अल्टरनेट टू थर्टीन एंगल कॉरसपॉन्डिंग इट मीन्स डोंट हैव नीड टू फर्स्टली सी दिस वन लाइन पी उन्होंने कहा है एल और एम क्या है पैरलर है और एन उसमें क्या है ट्रांसवर्सल है अकॉर्डिंग टू दिस कह रहे हैं कि फाइंड आउट करो अल्टरनेट टू थर्टीन एंगल थर्टीन के अल्टरनेट एंगल कौन सा है अगर हम इसको छोड़ दें ये दो पैरलर हो गई ठीक है ये ट्रांसवर्सल हो गई तो अल्टरनेट अल्टरनेट मीन्स क्या होते हैं जब जेड सपोज दिस वन शेप ओके जेड शेप में ये एक दूसरे के ऑपोजिट जो एंगल होते हैं दीज आर नेमिंग आई वेन गिविंग टू नेम वन और टू इट मीन्स एंगल वन एंड एंगल टू क्या है पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल जेड शेप में और जब क्रॉस बनकर एक दूसरे के ऑपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं अगर मैं इनको नेम दे दूँ इट मीन्स वन और थ्री एंड टू एंड फोर आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्लियर वन थ्री एंड टू फोर पेयर आर वर्टिकल ओपोजिट और इन जेड शेप ओपोजिट एंगल्स आर पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स गट इट नाउ कम ऑन द क्वेश्चन अब देखो अब यहाँ उन्होंने थर्टीन एंगल थर्टीन के कॉरस्पोंड सॉरी अल्टरनेट पूछा है तो अकॉर्डिंग टू ये यहाँ पे हमारे पास ये शेप बन रही है जेड की ठीक है तो इसके ओपोजिट कहाँ बन रहा है सेवन पे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा एंगल सेवन अब उन्होंने पूछा एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू अब नेक्स्ट उन्होंने पूछा एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल फिफ्टीन फिफ्टीन के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है फिफ्टीन ये रहा फिफ्टीन इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या बनेगा कॉरस्पॉन्डिंग ये एंगल सेवन ही आएगा ठीक अब उन्होंने पूछा एंगल अल्टरनेट टू एंगल फिफ्टीन फिफ्टीन के अल्टरनेट कौन सा एंगल है कौन सा आएगा ये शेप बन रही है ठीक है तो इसके अल्टरनेट कौन सा आएगा एंगल फाइव ठीक है अभी हमने जब इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर करने हो, तो वो क्या होते हैं अंदर जो हैं वो क्या हैं इंटीरियर बाहर जो हैं वो क्या हैं एक्सटीरियर और अंदर जो होते हैं वो क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर कौन कौन से होते हैं थर्टीन के अल्टरनेट इंटीरियर कौन सा, सा? सेवन अब फोर्टीन के एट सिमिलरली आप ये देखो ये शेप बनेगी तो अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट एक्सटीरियर फिफ्टीन के अल्टरनेट कौन सा है एंगल फाइव जेड शेप के अकॉर्डिंग एक यहाँ पे बन रहा है और एक इसके ऑपोजिट यहाँ पे ठीक है ये मैंने पिछली एक्सरसाइज में आपको करवाया था ना अल्टरनेट एक्सटीरियर और अल्टरनेट इंटीरियर आई थिंक वी हैव डन हेयर स लिख दिस वन पेज 14.14 पॉइंट फोर्टीन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल जो अंदर होते हैं ये लाइक इज थ्री के अल्टरनेट इंटीरियर कौन सा 5 और फोर के सिक्स सिमिलरली ये टू के कौन सा आएगा एट और वन के कौन सा आएगा सेवन सो अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट एक्सटीरियर ये अब हमारे पास बाहर बन रहा है एक्सटीरियर है तो इसके अल्टरनेट का कौन सा आएगा फाइव ठीक है क्योंकि यहाँ पे वन के अल्टरनेट एक्सटीरियर कौन सा था एंगल सेवन था ना तो सिमिलरली अब फिफ्टीन के अल्टरनेट एक्सटीरियर कौन सा है फाइव गॉट इट बेटा नेक्स्ट सम नंबर सिक्स आई एम डिस्कसिंग हियर एंड सिमिलरली यू कैन डू द फिफ्थ एंड सेवन ऑल्सो देखो सिक्स में ये हमें फिगर दी है कह रहे हैं एल और एम पैरलर लाइन्स हैं एन ट्रांसवर्सल है ट्रांसवर्सल है तो एल और एम को इंटरसेक्ट कर रही है टू पॉइंट पे पी और क्यू पे की तो कितने एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं वहाँ पे एट एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं और इन एट एंगल में से हम हमारे पास एंगल वन की वैल्यू कितनी है सेवेंटी फ़ाइव जब भी ऐसे आएगा तो आप क्या क्या कर एक एंगल पता हो तो अदर्स एंगल एटलीस्ट यू कैन फाइंड थ्रू कारस्पॉन्डिंग डेफिनेशन वर्टिकली ऑपोजिट डेफिनेशन अल्टरनेट एंगल्स डेफिनेशन लीनियर पेयर कंसेप्ट यू विल यूज डेफिनेटली फॉर फाइंडिंग दी ऑल एंगल्स ठीक है जब वो सारे एंगल्स करेंगे तो ये वाला कंसेप्ट तो जरूर यूज होगा ही होगा अब देखो वन के अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग कौन कौन सा एंगल फाइंड आउट हो सकते हैं वन के अब वर्टिकल अपोजिट क्या है थ्री है तो इट मीन्स ये पता है पेयर ऑफ वर्टिकल ओपोजिट एंगल पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर ऑल्सो मतलब अगर वर्टिकल पे, जो वर्टिकल ऑपोजिट का पेयर है वो एंगल आपस में इक्वल भी हैं कॉरस्पोंडिंग एंगल्स का पेयर भी आपस में इक्वल है इट मींस एंगल वन और एंगल थ्री क्या है दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है इट मीन ये क्या है पेयर ऑफ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है अगर वन सेवनटी फाइव है तो थ्री भी क्या होगा सेवनटी फाइव तो आपने इस तरह से लिख करके एंगल वन इज़ इक्वल टू एंगल थ्री इज इक्वल टू सेवेंटी फाइव साथ में रीज़न दे देना है वाई अकॉर्डिंग टू वर्टिकल ऑपोजिट ठीक है अब इसके कारस्पोंडिंग भी तो एक चीज़ है वन के को क्या कौन सा एंगल है एंगल फाइव इट मीन्स अगर एंगल वन सेवेंटी फाइव है तो कारस्पोंडिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं इट मीन्स एंगल वन इज़ इक्वल टू एंगल फाइव इज इक्वल टू सेवेंटी फ़ाइव साथ में रीजन क्या आएगा अल्टरनेट सॉरी साथ में रीज़न क्या आएगा कॉरस्पोंडिंग एंगल ठीक है एक तो आप इस तरह से फाइव निकाल सकते हो एक आप देखो यहाँ पे थ्री के अल्टरनेट एंगल कौन सा है अल्टरनेट इंटीरियर अब ये देखो एक जेड शेप बन रही है ना यहाँ पे और थ्री के अल्टरनेट एंगल कौन सा है फाइव तो मैं विद दी हेल्प ऑफ थ्री भी तो फाइव फाइंड आउट कर सकती तो मैं ये भी लिख सकती हूँ एंगल थ्री इज़ इक्वल टू एंगल फाइव इज इक्वल टू सेवेंटी फाइव डिग्री वाई अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट एंगल ये मैंने जस्ट इसलिए टू टाइप्स से लिखा है कि आप ज़रूरी नहीं है कि मैंने कॉरस्पॉन्डिंग से एंगल फाइव फाइंड आउट किया तो आप कॉरस्पॉन्डिंग से ही करोगे आपके पास यहाँ पे एक और ऑप्शन भी है यू कैन फाइंड थ्रू अल्टरनेट एंगल्स आल्सो एंगल फाइव गॉट इट बेटा सो एनी यू कैन चूज जो भी आपको ईजी लगेगा अब देखो एंगल फाइव निकल आया एंगल फाइव भी कितना आ गया मेरे पास सेवेंटी ठीक है तो एंगल फाइव के वटी की हेल्प से कौन सा एंगल फाइंड आउट होगा एक तो इसके ये कॉरस्पॉन्डिंग है एक इसके ये अल्टरनेट है ये इसके वर्टिकल ऑपोजिट ये मुझे पता नहीं है इट मीन्स एंगल फाइव इज इक्वल टू एंगल सेवन इज इक्वल टू सेवेंटी फ़ाइव डिग्री ये भी मेरे पास कितना आ गया अकॉर्डिंग टू वर्टिकल ऑपोजिट एंगल सेवनटी फाइव डिग्री अब देखो फोर एंगल्स फाइंड आउट हो गए अगर मुझे टू पता चल जाए तो टू की हेल्प से बाकी जो रह रहे हैं वो भी फाइंड आउट हो जाएंगे क्योंकि टू के ऑपोजिट क्या है फोर है फ़ोर के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है एट है एट के ऑपोजिट क्या है सिक्स है बट मैं कैसे फाइंड आउट करूँगी टू अब देखो एंगल वन और टू स्ट्रेट लाइन पे बन रहे इट मीन्स वन और टू क्या है पेयर ऑफ लीनियर लीनियर एंगल्स का पेयर है और जो पेयर लीनियर पेयर होता है वो आपस में उनका प्लस क्या होता है वन एटी डिग्री सम ऑफ दोज एंगल इज़ इक्वल टू वन एटी डिग्री ठीक है तो इट मीन्स मैं यहाँ पे ये वाला ये वाली डेफिनेशन यूज़ करके ये वाला कंसेप्ट लगा के एंगल टू फाइंड आउट कर सकती हूँ सो एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल टू वन एटी वाई बिकॉज इट्स अ लीनियर पेयर एंगल्स एग लीनियर पेयर एंगल्स हम इज इक्वल टू वन एटी डिग्री वन पता है सेवनटी फाइव प्लस एंगल टू इज इक्वल टू वन एटी आ गया तो ये उधर जाकर सब्जेक्ट हो जाएगा तो हमारे पास एंगल टू की वैल्यू जाए। जाए। आ जाएगी एंगल टू की वैल्यू कितनी आई वन हंड्रेड फाइव अभी मेरे पास ये कितनी आ गई वन हंड्रेड फाइव डिग्री और इसके अपोजिट क्या है वर्टिकल ऑपोजिट जरूरी नहीं है कि आप यहाँ से वर्टिकल अपोजिट ही करो देखो इसके कॉरस्पोंडिंग क्या है एंगल सिक्स ठीक है वो भी लिख सकते हो इसके वर्टिकल ऑपोजिट क्या है एंगल फोर आप ये यहाँ पे एक और भी चीज़ भी लिख सकते हो एंगल टू इज़ इक्वल टू एंगल सिक्स इज इक्वल टू वन हंड्रेड फाइव साथ में कंडीशन क्या दोगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ठीक है एंगल टू इज़ इक्वल टू एंगल फोर इज़ इक्वल टू वन हंड्रेड साथ में कंडीशन क्या दोगे वर्टिकल ऑपोजिट ठीक ये निकला है अब अगर अगर फोर आ जाए तो फोर के कॉरस्पॉन्डिंग ये है अगर आपने ये निकाला है सिक्स वाला लिखा है तो आप यहाँ से लिख सकते सिक्स इक्वल टू एंगल एट इज इक्वल टू वर्टिकल ऑपोजिट अगर ये क्लियर हो गया होगा कि डेफिनेशंस कैसे लगानी है तो जरूरी नहीं है कि बट आई एम यूजिंग यू विल यूज़ डैट थिंग ओके यू कैन यूज ऑन डेफिनेशन्स ऑल्सो फॉर फाइंडिंग द एंगल्स अपनी डेफिनेशन मीन्स जो वहाँ पे सुटेबल है अल्टरनेट की कॉरस्पॉन्डिंग की वर्टिकल की अपने अकॉर्डिंग लगा के भी निकाल सकते हो ठीक है अब देखो सम नंबर एट सेवन आप खुद करोगे सम नंबर एट में हमारे पास क्या दिया उन्होंने कह रहे हैं एल और एम पैरल टू ईच अदर पी एंड के ओ आर पैरल टू ईच अदर कह रहे हैं और ये वैल एंगल्स वहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं उन्होंने क्या है वैल्यूज फाइंड आउट करो एक्स वाई जेड और टी की अब देखो अगर जब हमारे पास एल और एम पैरलर है तो एट्टी के वर्टिकल ऑपोजिट क्या है जेड है ठीक है ये फिर क्या वो क्या होगी ट्रांसवर्सल तो एट्टी के वर्टिकल ऑपोजिट क्या है जेड इट मीन जेड इज़ इक्वल टू एट्टी अकॉर्डिंग टू वर्टिकल ऑपोजिट अगर जेड एट्टी है तो जेड के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है टी है तो टी भी कितना हो गया एट्टी डिग्री ठीक है अब कौन से रह गए मेरे पास वाई और एक्स पहले मैंने एल और एम की ली थी ये निकलाई दोनों अब देखो P और Q पैरलर टू ईच अदर ठीक है ये दोनों आपस में क्या हैं P Q पैरलर टू ईच अदर अगर ये पैरलर हैं तो T क्या है ये दोनों पैरलर्स हैं तो अब Y के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है Z है देखो इस अकॉर्डिंग देखो ये दोनों क्या हैं आपस में पैरलर इट मीन्स L क्या है उसकी ट्रांसवर्सल ट्रांसवर्सल है तो वाई और जेड आपस में क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है अगर जेड एट्टी है तो वाई भी कितना है एट्टी डिग्री वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू एट्टी डिग्री अकॉर्डिंग टू कॉरेस्पॉन्डिंग ठीक सेम पी के ऊपेल सो ये एम क्या होगी उस पर ट्रांसवर्सल ये उसकी ट्रांसवर्सल है अब अकॉर्डिंग टू दिस ट्रांसवर्सल एक्स और टी क्या है आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ठीक है अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है तो टी अगर एट्टी है तो एक्स भी क्या है एट्टी डिग्री वॉट इट बेटा एक्स इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू एट्टी डिग्री अकॉर्डिंग टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सो नाउ ओके वी कान डू द नेक्स्ट सम अप टू हियर एट हैव डन सो योर होमवर्क इज यर सम नंबर टेन ठीक है सम नंबर टेन 12, 13, and uh, 15. Okay, you can, according to this and according to previous sum, you can do next time. Homework is here. Okay, I will send you 10th, 12, 13, 15, sum. Your homework. Got it? So solve these sum. Okay? 9 and 11, put in, I will do. Thanks and have a nice day.